नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बात करने वाले हैं कभी कभी क्या होता है एसी चलाने पे हमारा डैशबोर्ड के अंदर में पानी आना शुरू हो जाता है यहाँ पे पानी की अकोमोडेशन हो जाती है तो उसके लिए मेरे को कमेंट आया था कि सर पानी अंदर आ जाता है तो उसका सोल्यूशन बताइए और मैं आपको बता दूं जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो मांग रहे हैं इन सर से दो हजार रुपए बोले कि कारपेट निकलेगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा सर ये फ्री में होने वाला है ठीक किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल फ्री सॉल्यूशन है ये मैं बता दूं बिल्कुल ही जीरो पैसे में आपका एकदम सही हो जाएगा अगर आप थोड़े से मेहनती हैं तो और ऑफकोर्स अगर आपको पैसे बचाने तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ती है पर बिल्कुल नामुमकिन टाइप की मेहनत है वो तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पानी आता किस लिए सर मैं बता दूं आपको जो आपकी एसी की क्वाल रहती है वहां पे कंडेंसेशन कंडेंसेशन होती है है ठीक तो होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे फॉर्म होते हैं और उनको निकलने की जगह चाहिए तो जगह जो होती है उनके निकलने की एक ड्रेन लगी रहती है आपको मैं दिखाता हूं उसको वो ड्रेन कभी कभी क्लॉक्ड हो जाती है तो वो बंद हो जाएगी तो पानी को तो निकलने की जगह चाहिए तो वो क्या करता है आपके डैशबोर्ड में फैलना शुरू कर देता है यहां पर तो उस ड्रेन की लोकेशन रहती है जस्ट आपका जो ये क्लच पैडल है ना इसके बगल में एसी सी कॉयल लग रखी लग है एसी सी कॉयल के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कॉयल है ना एसी की उसके जस्ट बगल में ये रिजर्वर है इसमें पानी आके इकट्ठा होता है मतलब जो भी एसी में कंडेंसेशन फॉर्म होती है और इसके जस्ट पीछे एक पाइप सी लग रखी है रबड़ की ये आपकी पाइप है जो ड्रेन मतलब नीचे की तरफ जाती है बॉडी से बाहर निकलती है तो इसको आप दोनों साइड से एक्सेस कर सकते हैं चाहे ड्राइवर साइड से चाहे पैसेंजर साइड से ये अभी पैसेंजर साइड से आपको यहाँ पे दिखेगी बिल्कुल सामने में पर इसके लिए हो सकता है आपको सेंटर कंसोल खोलना पड़ेगा सेंटर कंसोल की खोलने की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आप उस वीडियो में जाकर सेंटर कंसोल खोलने का तरीका देख सकते हैं बहुत सिंपल है ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बिना खोले भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने कॉयल साफ़ करी थी तो आपको साइलेंसर के पास में नीचे से घुसना पड़ेगा बॉडी के नीचे से तो आपको ये वाली पाइप जो है वो निकालनी नहीं पड़ेगी नीचे से ही साफ हो जाएगी ये दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहां जाके जैसा भी आपको सही लगे उस तरीके से आप देख सकते हैं ठीक है तो ये पानी अंदर इकट्ठा हो जाने के ना तीन चार केसेस होते हैं तीन चार चांस होते हैं या तो आपका जो ये पाइप लग रखी है ठीक है ये वाली जो पाइप है या तो ये क्लॉग्ड है मतलब इसमें कचरा फंस रखा है तो इस पाइप को आपको क्लीन करना पड़ेगा पर खोलने का तरीका बड़ा सिंपल बता देता हूं अगर आप सेंटर कंसोल खोल पाए ना तो यहाँ पे ये पाइप नीचे बॉडी में जाके जुड़ी है तो इसको हल्का सा उंगली से लिफ्ट करेंगे बड़े प्यार से ऊपर निकल आती है इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती है तो इस पाइप को यहाँ पे आप आराम से अपना फॉर्म क्लीनर घुसा के या कोई भी छोटी मोटी जैसे चीज़ घुसा के अंदर से इसको क्लीन कर सकते हैं इसको खोलना भी बड़ा सिंपल है इसको खोलने का तरीका बता देता हूँ पूरी भी निकल जाती है बाहर आप पर इसमें याद रखना है यार पर्ली साइड में लॉक लगा रहता है जब मतलब खोलोगे ना आप इस पाइप को तो परली साइड से खोलना मतलब जैसे मैं खोल रहा हूँ भी तो यहाँ पर लॉक लगा रहता है वो आसानी से ऐसे बाहर निकल आएगी इसको और आप निकाल के आराम से क्लीन कर लीजिए दूसरी चीज हो सकता है कि ये पाइप फट गई है यहां से ठीक है यहां पे लग रखी थी ये फट गई है तो इसमें से पानी लीक कर रहा है ठीक है एक तो ये हो गया और एक और चांस ये हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपके नीचे में वो है आ, होल बन रखा है जो कि नामुमकिन है बहुत मुश्किल है यहां पे होल बनना तो वो चांस हो गया और एक चांस जो बड़ा मेजर होता है कि मान लो आपकी पाइप भी क्लीन है सब कुछ सही है इसके अंदर में कचरा फंसा रहता है कई बार जैसे पत्ते वगैरह फंसे रहेंगे मिट्टी वगैरह फंसी रहेगी और ये ब्लॉक रहेगा तो इसको आपको क्लियर करना है तो क्लियर कैसे करेंगे आप यहाँ पे प्रेशर जो साइकिल वगैरह में हवा भरते हैं ना वो पंप यूज कर सकते हैं आप या फिर किसी मतलब पंचर वाले के पास में जाके यहाँ पे इस पे हवा मरवाइए एक तो वो तरीका हो गया ये तो सिंपल वाला हो गया अगर आपको थोड़ा अच्छे से करना है तो आप एक फॉर्म क्लीनर लेके आइए जो एसी क्लीनिंग करते हैं ना वेंट्स की उसकी पाइप को घुसाइए पे और स्प्रे कर दीजिए इसमें ठीक है जब तक यहाँ से बाहर ना निकल जाए स्प्रे करने के बाद में वो निकलेगा यहाँ पाइप घुसा गुछा देना घुसाने के बाद में इकट्ठा कर देना नीचे तो आपका एकदम मामला फिट हो जाएगा पर सर 90 परसेंट चांस इस पाइप के ब्लॉक होने से ही पानी आता है वहां पे आपको इतने झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं बता रहा हूं आपको ठीक है इतने से आपका काम बन जाएगा तो आशा करता हूं छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत